चैत नवरात्रि के पहले दिन आदिशक्ति के मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। श्रद्धालुओं ने किए मां शैलपुत्री के दर्शन। रानी तलाव स्थित मंदिर परिसर में भी लगी श्रद्धालुओं की भीड़। आपको बता दें कि मां शैलपुत्री की आराधना के साथ आज से चैत नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। भक्त 9 दिन मां दुर्गे के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ऐसे में प्रदेश के तमाम जिलों में मां भगवती के मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रीवा जिले के 300 वर्ष से भी अधिक पुराने रानी तलाव मंदिर में नवरात्र के पहले दिन माँ कालिका के दर्शन कर भक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसके साथ ही भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करने के लिए भी पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना के बाद पहली बार मंदिरों में भगवान को स्नान कराने की भी छूट दी गई है, जिसके बाद भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और सुबह से ही भक्त कतार में खड़े होकर माँ के दर्शन करने पहुँच रहे हैं। मंदिर परिसर में मेले का भी आयोजन किया गया है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे इस मेले का काफी लुत्फ उठा रहे हैं तथा सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें कोई भी अप्रिय घटना ना हो इसके लिए CCTV कैमरे की मदद भी ली जा रही है। प्रस्तुत है रानी तलाव मंदिर के मुख्य पुजारी से प्राप्त जानकारी के अंश। देखिए, आज माँ का प्रथम शैलपुत्री का अवसर है। भगवती का जो है आज प्रथम दिन है, जिसमें महाआरती सुबह 4:30 बजे करके जो है माई का पट खोला गया है। लोगों की श्रद्धा भक्ति जो देखी जाती है बहुत विकराल रूप से यहाँ, और ये माँ काली रानी तलाव के नाम से विख्यात है। आज जो है प्रथम दिवस में जो है माँ के जवारे बोए जाएंगे, अखंड ज्योत की स्थापना की जाएगी, कलश की स्थापना की जाएगी और भगवती का जो है स्मरण करके 9 दिवस के लिए जो है सारे कार्यक्रम चालू किए जाएंगे। किस तरीके का भीड़ है यहाँ पर? भीड़ आज सुबह से जो है 4:30 बजे से निरंतर अभी तक चल ही रही भीड़ काफ़ी मात्रा में, जबकि समय जो है तो 1:45 हो चुके हैं। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट, रेवन्यू डिपार्टमेंट, सबकी व्यवस्था फर्स्ट क्लास है। कितने वर्षों से ये मेला यहाँ पे आयोजित है? ये लगभग 450 वर्षों से चल रहा है। हाँ, ये इस बार जो स्नान का परमिशन हो गया है, तो लोग जो पहले लोगों की कुछ श्रद्धा में धक्का लगता था, तो अब लोगों की श्रद्धा को शांति मिलना शुरू हो गई है कि माँ के चरणों तक जाकर उनका स्नान करा के चरणामृत पीते हैं और स्नान के लिए आदेश हो गया।